जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पे क्या कहेंगे, क्या आप मुतमईन हैं, कौन कौन से ऐसे अच्छे काम हैं जो उसने किए या कोई तनकीद? देखो जी, मुसलमान है मुसलमान, दूसरे मुसलमान को ऐसे कहता अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि मोहम्मद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हमारे, वो अपनी ज़िद छोड़ दें। हाँ जी, ज़िद में ना आया करें हैं, और हर एक को बराबरी का मतलब कि वो करें हैं। हमें यही दरख्वास्त होगी कि वो बराबर करें, कि ये नहीं कि उसको ये कह दे वो कर लिया, अब मामला सुलझाने के लिए। अब मोदी साहब को जो कहते हैं कि वह हालांकि वो काफर है, मुसलमानों का दुश्मन है, वो जो उसकी तंजीम है आरएसएस, उसको जो कहते हैं कि ये अल्लाह करे ये जीत जाए, इसके साथ हमारे हो जाएगा, दूसरों को भी ऐसे माफ़ कर दें और निज़ाम चलाएँ। चाहिए नहीं, आप क्या समझते हैं कहाँ पर जाके वो बराबरी नहीं करते, कौन से ऐसे मामला? वो ना देखो जी, मैं उसके पास तो नहीं बैठता, ना मेरे इतने कोई मतलब के हैसियत है, लेकिन सुनने में ये आता है कि वो अपना ना वो उसके कोई बात कहें वो मानते नहीं हैं किसी की। अब अपने तीन वजीर निकाला, हालांकि ना मैं नून लीग का हूँ, ना मैं मतलब के उसका हूँ, पीटीआई का हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि मौलाना फजलुर्रहमान साहब दामद बरकातों मालिया इस मुल्क के वज़ीर आज़म हों, बड़े ज़ीरक सियासतदान है, नसीब की बात है, अभी तो उनके चांस नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह वालों की हुकूमत आएगी। हम किसी को ऐसे बुरा तो नहीं कहते कि वो ये अच्छा है, ये दाढ़ी वाला अच्छा है तो ये बग़ैर दाढ़ी वाला ऐसा है, ये नहीं, हम सब भाई हैं, बराबर हैं, उम्मत मुसलमान को एक होकर रहना चाहिए। और ये अपनी सबसे मैं जो पहले बात की वही कहे कि ये अपने आप को सही करें, अपनी ज़िद छोड़ें। हुकूमत में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर होने वाली हैं, आप मसाइल कहाँ जी? हुकूमत में ऐसी वो गैप तो अल्लाह जानता है कि कल क्या होगा, अभी एक सेकंड के बाद क्या होगा, कि ये है जो ये 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख जो घर है, अगर यही बना दे, मैं कहता हूँ कि ये 25 लाख नौकरियां दे दे और 10 लाख घर भी बना देना, तो आइंदा ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। अगर इमरान खान का पीएम साहब का अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का साथ दिया तो ये आइंदा भी वज़ीर आज़म यही होंगे। सही है, बहुत शुक्रिया। ताबेदार जी, बुज़ुर्ग हमारे ये कह रहे थे कि 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घरों का जो वायदा है, उनमें से कुछ हिस्सा भी अगर मुकम्मल कर लिया जाए तो आइंदा वज़ीर आज़म भी इमरान खान हो सकते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।